नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अतरंगी न्यूज़ में। आज हम ऐसी गाड़ी के बारे में खबर लेके आए हैं जिसकी पहले से ही काफ़ी सेल्स हो चुकी है, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल का इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। जी हाँ, हुंडई क्रेटा की कमर तोड़ने आ रहा है बैलेनो का धाकड़ वेरिएंट। बेहद तूफानी फीचर्स और तगड़े लुक से करेगी ऑटो सेक्टर पर राज। मारुति सुजुकी ने पिछले महीने देश में काफ़ी मॉडिफाइड बैलेनो हैचबैक लॉन्च की है। नया मॉडल अपडेटेड स्टाइल, अपडेटेड इंटीरियर और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ आएगा। नई 2023 में मारुति बैलेनो का एक सुपरहिट कार है, क्योंकि इसने केवल 44 दिनों में 50,000 से अधिक की बुकिंग दर्ज की है। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी के वेरिएंट फीचर्स के बारे में, बैलेनो में हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, और अगर हम बात करें इसके उपकरणों की तो इसमें LED प्रोजेक्टर और एक साउंड सिस्टम होगा, रिवर्सिंग कैमरा होगा, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 9 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और क्रूज कंट्रोल भी आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप एंड कीलेस एंट्री भी आपको मिलेगी। अगर हम बात करें इसके इंजन के बारे में तो मारुति सुजुकी बैलेनो जल्दी देश में बैलेनो हैचबैक का CNG संस्करण भी लॉन्च करेगी। CNG मॉडल उसी 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ आएगा। पावर और टॉर्क में हल्की सी गिरावट आपको महसूस हो सकती है, लेकिन सिर्फ बैलेनो इन्हीं नए टोयोटा ग्लेंजा को भी CNG वेरिएंट मिलेगा। नई CNG वेरिएंट 25 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आएगा। नई बैलेनो का सिंगल पेट्रोल इंजन में पेश किया जा रहा है, जो कि 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट यूनिट है। यह पावर ट्रेन 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक भी शामिल होगा। अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो दावा किया गया है कि ARAI माइलेज मारुति बैलेनो का पेट्रोल में इसका एवरेज होगा 22.35 किलोमीटर पर लीटर, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए दावा किया गया है ARAI माइलेज द्वारा कि इसका 22.94 किलोमीटर पर लीटर होने वाला है। अगर हम बात करें इसके न्यू कलर फीचर्स के बारे में तो मारुति बैलेनो 6 अलग अलग कलरों में आपको उपलब्ध होगी, जिसमें आर्कटिक वाइट, ओपिडेंट रेड, ग्रैंड्योर ग्रे, लक्स बेज, नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडी सिल्वर में उपलब्ध होगी। अगर हम बात करें इसके नए वेरिएंट शोरूम प्राइस के बारे में तो इसमें अप्रैल में आपको ये देखने को मिल सकती है, अप्रैल 2023 में। इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये 10 लाख से 14 लाख की अनुमानित कीमत रेंज में आपको मिल जाएगी। टॉप मॉडल इसका 2023 में जो लॉन्च होने, मिनिमम हैचबैक को 10 लाख रुपये के शुरुआती मॉडल पर लॉन्च किया जाएगा और 14 लाख रुपये इसके टॉप मॉडल तक एक शोरूम रेट जा सकती है। अगर हम बात करें इसकी लॉन्चिंग के बारे में तो मारुति बैलेनो SUV के मार्च 2023 में लॉन्च होने की संभावना है। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सब्र कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। अगर हम इसके बारे में और जानें तो इसका फ्यूल टाइप होगा पेट्रोल, इंजन आपको मिलने वाला है 1197 cc का, सिलेंडर होने वाले हैं 4, मैक्सिमम पावर होगी 88.50 BHP 6000 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क होगा 113 Nm 4400 RPM पर, सीटिंग कैपेसिटी 5 की आएगी, ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिलेगा आपको। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 318 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इसकी हैचबैक होने वाली है जैसा कि अभी तक ये आई है, तो फटाफट से आप बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन, और इसकी वेबसाइट पर बुकिंग हो रही है, आप शोरूम पे जाके भी बुकिंग करा सकते हैं। और थोड़ा सब्र करेंगे तो हम आपको जल्दी इसके पूरे प्रॉपर वीडियो और रिव्यू बना के देंगे। धन्यवाद।